नमस्कार सर, हम लोग जो हीटर्स के बारे में बात कर रहे थे, जो आपका हीटर्स में अभी प्रेजेंटली प्रॉब्लम है, इसको रिपेयर करना, तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन दिस हीटर इश्यू ओनली। तो आप चीज को समझिए सर, ये हीटर है जिसका आप मेरे को पिक्चर भेजे, ये पिक्चर। तो हीटर मेरे के हम जो लोग एनालिसिस किए, आपका हीटर ऐसा खराब हो जा रहा है। हो क्या रहा है कि दिस इज एन एसिडिक एनवायरमेंट, बेसिकली दिस इज एन एसिडिक एनवायरमेंट जहां एसिड है और ये एसिड इसको पंचर कर गया। इसका थिकनेस काफी कम है। हम लोग जो आपको हीटर्स बना के देंगे इन फ्यूचर, दैट विल बी 2 mm थिक। ओके, एंड अनदर प्रॉब्लम जो है कि ये मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आपको बेसिकली ये हीटर के ऊपर ऐसा एक कोटिंग, इसको बोलते हैं लेड कोटिंग। लेड कोटिंग क्या है कि लेड कभी रिएक्ट नहीं करता है हीटर के साथ। तो लेड कोटिंग में जितना भी हाई एसिडिक होगा ये एट ऑल रिएक्ट नहीं करेगा। ये देखिए, ये एक और एग्जांपल है जहां पर लेड कोटिंग किया हुआ है, नॉर्मल हीटर के ऊपर लेड कोटिंग किया है, ठीक है। तो ये लेड कोटिंग हम लोग जो भी आपको हीटर के ऊपर करेंगे 2 mm थिकनेस पर करेंगे, और इसमें आपको मिनिमम 1 ईयर लाइफ होगा। हमारे हिसाब से, मेरे एस्टिमेट हिसाब से मिनिमम 1 ईयर पंचर फ्री। ओके, इट विल वर्क। ऑलरेडी हम लोग ये एक कंपनी में किए हैं जिसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब ऑल्सो हैड अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एंड वी इम्प्रूव्ड इट लाइक दैट। तो ये प्रेजेंटली आपका हीटर है जो डैमेज है, और डैमेज हीटर्स भी हम लोग इसका आपका जो ओल्ड डैमेज हीटर्स है उसको रिपेयर कर देंगे एंड उसके ऊपर लेड कोटिंग करके दे देंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा इसका एक कोटेशन दे रहा हूँ, आप इसको देखिए, बाकी डायमेंशन वगैरह सब ओके होगा। जो आपका ड्रॉइंग है एग्जैक्टली 1:1 ड्रॉइंग होगा। सो थैंक यू सर, यही आपको जस्ट मेरे को बताना था कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग जो आपका हीटर है वही हीटर रहेगा, वी विल रिपेयर दैट और इसके ऊपर एक लेड कोटिंग करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।